देखते हैं क्या है। तो हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें ध्यान रखना है कि सारी चीजें अब सबसे पहले फंक्शन होना चाहिए, उसके बाद में ही इनवर्स की बात हो पाएगी, है ना। तो ले लेते हैं, इफ एफ इज सच दैट एक्स टू वाई, इसका मीनिंग होता है कि एक्स आपका डोमेन होता है, वाई आपका क्या होता है, रेंज होता है इस फंक्शन का। इफ एफ सच दैट एक्स टू वाई लिखा हुआ है, मतलब एफ एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई से, ठीक है, फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई से, वेयर एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर डोमेन, या एक्स इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एक्स एंड वाई इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन वाई, ठीक है, ओके। यस सर। एफ इज सच दैट एक्स टू वाई इज ए फंक्शन मीन्स वन वन ऑन टू, है ना, वन वन ऑन टू इज ए फंक्शन डिफाइंड बाई इज ए फंक्शन डिफाइंड बाई वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो वाई इक्वल टू एफ एक्स का मीनिंग क्या हुआ कि एक्स इलेमेंट ऑफ डोमेन इन कैपिटल एक्स इज गिविंग एन इमेज वाई व्हेन मैप्ड विद दिस फंक्शन एफ, ओके, व्हेन मैप्ड विद दिस फंक्शन एफ। तो एक्स इज योर डोमेन एलिमेंट, वाई इज योर रेंज एलिमेंट, या इन फैक्ट वन कैन से कि वाई इज योर इमेज, ठीक है। इसका मीनिंग क्या, वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया है, इसका मीनिंग हुआ कि एक्स का इमेज वाई है व्हेन दिस एक्स इज मैप्ड विद एफ, मैप्ड मतलब जब इसमें ऑपरेट किया गया एफ से, ठीक है, बात समझ आ गई ना। यस सर। व्हेन ऑपरेटेड विद एफ, ठीक है। नाउ इफ एक्स एफ सच दैट एक्स टू वाई इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय वाई इक्वल टू एफ एक्स सच दैट एफ इज बोथ वन वन एंड अन टू, वन वन एंड अन टू, वन वन अन टू का मीनिंग क्या हुआ, वन वन अन टू का मीनिंग हुआ वन वन अन टू का मीनिंग हुआ एवरी एंड ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैविंग एन इमेज व्हेन मैप्ड विद फंक्शन एफ इन वाई एंड देयर इज नो एलिमेंट इन वाई, देयर इज नो एलिमेंट इन वाई व्हिच इज नॉट द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स वन मैप विद एफ, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अनटू का मीनिंग इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं खाली बचेगा जो कि इसका इमेज ना हो किसी एलिमेंट का, और वन वन का मीनिंग हुआ कि इसका हर एक एलिमेंट यहाँ पे एक सिंगल रिलेशन सिंगल इमेज प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, सिंगल यानी यूनिक इमेज प्रोड्यूस करेगा, तो यूनिक इमेज और इसका हर एक एलिमेंट क्या है, इसका जो है
इमेज होगा, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे खाली नहीं बचना चाहिए, ठीक है, अनटू के लिए। बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, आगे लिखे। यस सर। तो इफ f इज सच दैट x टू y इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय y इक्वल टू f x सच दैट f इज बोथ 1 1 एंड अनटू, देन देयर एग्जिस्ट ए then there exists a unique function g such that from y to x then there exists a function g from y to x such that for each, इसको नोटेशन में हम कभी कभी इस तरीके से भी लिखेंगे, ठीक है, such that for each को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, such that for each y element capital y, such that for each y element capital y gy will be x, if and only if y equal to fx. एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसको, लेट से 1 2 3, है ना, 1 2 3 एंड दे आर रिलेटेड विद दिस इज 2 4 and 6, under a relation f, this is shown by like this, then what this is saying ki there must exist another unique function such that this is x, this is y, such that from y to x, 1 2 3 2 4 6, and this will be given by g y equal to x. ये फंक्शन क्या था हमारे पास में, fx इक्वल टू y था हमारे पास में, तो जब ये डिफाइन करेंगे तो ये रिलेशन ऐसे आपका फंक्शन जाएगा, ठीक है, ओके, यस सर। नाउ तो इफ दिस है, अच्छा देखो यहाँ पे अब 1 1 अन 2 की इंपॉर्टेंस कितनी है, अगर ये अनटू नहीं होता तो यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट बचता जरूर, ठीक है, क्या होता, कोई ना कोई एलिमेंट बचता जरूर जिसका दोबारा से इमेज हमें यहाँ नहीं मिल पाती, है ना, तो इसलिए अनटू ने कैसे हेल्प किया इनवर्स फंक्शन पाने के लिए, और 1 1 ने कैसे हेल्प किया, जब हर एक का यूनिक इमेज है तो दोबारा जाएगा तो इसका भी इमेज यूनिक ही मिलेगा आपको, है ना, तो ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है कि आपका एफ 1 1 एंड अन 2 हो, तभी आप इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर पाओगे। तो इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी सच दैट वाई टू वाई जी वाई इक्वल टू एक्स इफ एंड
only if y equal to fx, then the function g so defined is called inverse of f. It's called the inverse of f, and denoted by f inverse, and denoted by f inverse. यानी इसी डायग्राम को हम अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y यहाँ पे हो गया, x यहाँ पे हो गया, ये y है, और यहां से एक हमने फंक्शन डिफाइन किया और इसको हम लिख देंगे f इनवर्स, है ना। सेम एग्जांपल लेके चलें तो यहाँ पे ये इसको लिख सकते हैं, 1 2 3, हो गया। तो जी बन गया एफ का इनवर्स। अब देखो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब जी एफ का इनवर्स होगा तो एफ भी जी का इनवर्स होगा, है ना। यहीं पे नोट लिख लेते हैं, आल्सो उसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ठीक नहीं बनेगा ये, हो गया इतना। यस सर। आल्सो इफ जी इज द इनवर्स of f, then f is the inverse of g. And the two functions f and g are said to be inverse of each other. ठीक है बेटा। यस सर। तो इसको समराइज कर लेते हैं। समराइज क्या है कि कंडीशन क्या है, हमने देखा था 1 1 2 है, ठीक है, और रेंज और डोमेन किस तरीके से चेंज हो जाएंगे इसमें।
the condition for existence of inverse function the condition for existence of inverse of a function is that the function is must be one and unto ठीक है. तो जब भी हमें थ्योरेटिकली इस बात को प्रूव करने के लिए कहा जाएगा कि आपका फंक्शन जो है वो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो हमें उस फंक्शन को प्रूव करना पड़ेगा कि ये फंक्शन हमारा वन वन एंड टू है. ठीक है. यस सर. Whenever n inverse function exists, are defined, the range of the original function, becomes the domain of the becomes the domain of the inverse function and domain of the original function and domain of the original function becomes the range of the inverse function. Range of the inverse function. ठीक है. नोट कर लो. यस सर, कर लिया. अब नीचे यहाँ पे अगर आके देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम इसका डोमेन लिखें तो डोमेन क्या है इसके? डोमेन है 1, 2, 3 है ना? यस सर. रेंज क्या है? 2, 4, 6 यानी वाई है ना? यस सर. यहाँ पे डोमेन क्या बन जाएगा? टू फोर सिक्स यानी वाई, यानी कि रेंज ऑफ एफ है ना?
यस अरेंज क्या बन जाएगा, 1, 2, 3 यानी एक्स, यानी कि डोमेन आप है, ठीक है ओके यस सर दोनों डायग्राम बना करके आप आगे लिखना, मैं तो पीछे आके बना हुआ था ले लिया क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल है, बुक में पॉसिबल नहीं है, नोट्स में पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। ओके सर नेक्स्ट पेज पे दोनों डायग्राम को अलग अलग बना करते हैं। दोबारा से बनाओ इन सब। हाँ हाँ बिल्कुल, ओके सर जहाँ पे लिखना बंद किया था आप उसी के जस्ट आगे। हो गया सर। ठीक है आगे बढ़े। यस सर। तो यहां पे समरी में हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ है ना, एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू ये इज नथिंग बट डोमेन ऑफ एफ है ना। यस सर। ठीक है नो अब हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, तो इसलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो मैनी वन होते हैं, क्या होते हैं, मैनी वन होते हैं, तो जरा इसको समझ लेते हैं अब फिर आगे हम बढ़ेंगे तो चीजें क्लियर रहेंगी आगे अपने को। वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा कॉस थीटा इस टाइप की चीजें की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
आर मैनी वन आर मैनी वन इन दियर एक्चुअल डोमेन इन दियर एक्चुअल डोमेन। इस बात को पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा फंक्शन साइन है यानी कि अगर हम साइन एक्स की बात करते हैं क्या करते हैं साइन एक्स की बात करते हैं वाई इक्वल टू साइन एक्स है एंड वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ जीरो टू टू पाई है मतलब यहां से लेकर यहां तक एक कंप्लीट सर्किल में एक्स अपना डिफाइन कर रहे हैं हम एक कंप्लीट सर्किल में एक्स अपना डिफाइन कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अभी क्लियर हो जाएगा तो आगे भी रहेगा। तो देखो ध्यान से हम कोई भी एक एंगल ले लेते हैं लेट्स द एंगल इज पाई बाई फोर है ना तो ये पाई बाई फोर हो जाएगा एक एलिमेंट इसका दूसरा एलिमेंट भी ले सकते हैं हम यहाँ पे पाई प्लस पाई बाई फोर कितना हो जाएगा सॉरी पाई बाई फोर बाई फोर पाई बाई टू ले लेते हैं तो टू ये कितना हो जाएगा थ्री पाई बाई फोर हो जाएगा। इस एंगल को हमने कहा कि ये एंगल हमारा थ्री पाई बाई फोर है। नेक्स्ट एलिमेंट हम बात करें तो पाई बाई फोर को हम खाली ऐड करते जा रहे हैं तो किसी एक पॉइंट को लेकर के हम चल रहे हैं उसी पे देखेंगे हम। इसी तरीके से पाई में पाई बाई फोर ऐड कर दें तो क्या मिलेगा अपने को पाई में पाई बाई फोर ऐड कर दें हम तो क्या मिलेगा ये और 2 पाई से पाई बाई फोर माइनस कर दें तो क्या मिलेगा 2 पाई से माइनस पाई बाई फोर कर दें तो कितना हो जाएगा 7 पाई बाई फोर हो जाएगा ये है ना 7 पाई बाई ये इसके कंप्लीट डोमेन में हमने बात किया कंप्लीट डोमेन 0 टू 2 पाई की बात की हमने। अब हम देखते हैं कि यूनिक मैनी वंस कैसे है तो मैनी वंस ऐसे है कि इसको हमने x1 मान लिया है ना इसको हमने x2 मान लिया इसे हमने x3 मान लिया इसे हमने क्या मान लिया x4 मान लिया ठीक है बेटा इसे हमने x1 x2 और x4 मान लिया क्योंकि x1 x2 x3 x4 सारे अलग अलग हैं है ना yes, sir. है ना x1, x2, x3, x4 ये सारे अलग अलग वैल्यूज हैं हमारे पास में ओके नाउ और साथ में इसको हम बनाते हैं इस तरीके से अब इसको x बना दिया हमने इसको y बना दिया हमने और xy में एक रिलेशन डिफाइन किया गया वो है साइन का कैसे डिफाइन है y इक्वल टू साइन x से यानी x पे फंक्शन साइन आप ऑपरेट करोगे तो आपको y मिलना चाहिए। इसके एलिमेंट कौन कौन से लिए हमने पाई बाई फोर लिए थ्री पाई बाई फोर लिया फाइव पाई बाई फोर लिया एंड सेवन पाई बाई फोर लिया। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं कितनी कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी तो साइन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन बाई रूट टू होता है ठीक है यस ओके साइन थ्री पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन थ्री पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको पता है कि साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है ना क्या होता है फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है
तो साइन पाई माइनस पाई बाई फोर विल बी साइन पाई बाई फोर, है ना, इसकी वैल्यू भी वन बाई रूट टू ही रह जाएगी। तो साइन थ्री पाई बाई फोर की वैल्यू भी कितनी रह गई, वन बाई रूट टू हो गई। ठीक है बेटा, यस सर। पाई पाई बाई फोर लेंगे तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। आपको पता है कि इसमें साइन नेगेटिव होता है, क्या हो जाता है, इसमें साइन नेगेटिव हो जाता है आपका, साइन नेगेटिव हो जाता है, साइन पाई प्लस पाई बाई फोर ये बन जाएगा माइनस साइन पाई बाई फोर इन बन जाएगा माइनस वन बाई रूट टू, ये बन जाएगा माइनस वन बाई रूट टू, माइनस वन बाई रूट टू। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपका साइन निगेटिव होता है, यानी टू पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो अगर यहाँ पे भी आप साइन लगा लोगे इसमें तो ये भी माइनस साइन पाई बाई फोर आ जाएगा और इसकी वैल्यू भी यही आ जाएगी, है ना। यस सर। तो आपने क्या देखा कि ये जो फंक्शन है ये वन वन आन टू नहीं है, बल्कि क्या है, मैनी वन है। मैनी वन मतलब यू आर टेकिंग एक्स वन डज नॉट इक्वल टू एक्स टू बट गेटिंग एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। ठीक है, टेकिंग डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन एंड गेटिंग सेम इमेज इन रेंज। ठीक है, when operated under a function then function is called many one। ठीक है, बस समझ में आ गई। यस सर, आ गई। देख लेना क्योंकि ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिना इसके आगे के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आगे बढ़े। यस सर। तो अब इनवर्स डिफाइन करने के लिए नेसेसरी एंड जरूरी कंडीशन क्या है हमारे पास में, कि फंक्शन हमारा वन वन और अन टू होना चाहिए, मैनी वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए और अन टू होना चाहिए, मैनी वन नहीं होना चाहिए। तो मैनी वन बनाना पड़ेगा, बनाएंगे कैसे, कैसे बनाएंगे, रेंज में लिमिटेशंस डाल करके, रेंज में कटिंग करके। कैसे, अब इसमें ध्यान से अगर देखें हम तो इसमें अगर हम इसको और इसको हटा दें, खाली इसको और इसको रखें तो हमें एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिलेगा, है ना, या इसको और इसको रखें, इसको और इसको हटा दें तो भी यही मिलेगा। मतलब इसमें जिसकी वजह से वैल्यू रिपीट हो रही है अगर उसको हटा दें हम, बाहर कर दें तो अपना काम चल जाएगा साइन के लिए। तो ध्यान दो, साइन फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव। तो हमें अगर इसको वन वन बनाना है तो हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को साथ में लेना पड़ेगा, है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव साथ में नहीं आ पाएंगे। तो यानी इसके रेंज को हम जीरो टू टू पाई के बजाय अगर लिमिट कर दें यहां से, इसको माइनस पाई बाई टू, तो नेक्स्ट पेज पे ले ले, कहीं पे लिख दें ये, इसको साइड वाली चीजों को हटा देते हैं। लिख लिया ना आपने? यस सर। ठीक है, थोड़ा स्पेस दिखिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं एक्स की वैल्यू को डिफाइन करने जा रहे हैं, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में अगर डिफाइन कर दें, क्या कर दें, अगर वाई इक्वल टू साइन एक्स और x को हम एलिमेंट बना दें किसका, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का, है ना। तो देखो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में माइनस पाई बाई टू का एलिमेंट ये हो जाएगा, पाई बाई टू का एलिमेंट ये हो जाएगा, दोनों का अलग अलग इमेज मिलेगी।
तो इन दैट सिचुएशन ये हमारा जो वन मैनी वंस था ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वन वन बन जाएगा। कैसे वन वन बन जाएगा, साइन पाई बाई फोर की वैल्यू अब आपकी वन बाई रूट टू हो जाएगी एंड साइन सेवन पाई बाई फोर की वैल्यू आपकी माइनस वन बाई रूट टू हो जाएगी, है ना। तो इफ एक्स वन डज नॉट इक्वल टू एक्स टू देन एफ एक्स वन डज नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू। बात क्लियर हो गई? यस। तो वन वन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी फंक्शन का जो कि मैन्यू वन है, खासतौर पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो उनके डोमेन को हम रिडिफाइन करते हैं या डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे जीरो टू टू पाई था डोमेन, यहाँ पे डोमेन कितना हो गया माइनस पाई पाई बाई टू से पाई बाई टू कर दिया हमने, ठीक है। अब इसका डोमेन कभी भी जीरो से पाई नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो से पाई जाओगे तो वैल्यू रिपीट होनी है और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होनी है ना ये। तो ये मैनी वन, लेकिन पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू दोबारा जा सकते हैं हम, ठीक है। तो ये डोमेन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू रखे या पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू रखे, ये दोनों बात एक ही हो जाएंगी, है ना। आपको वन वन मिल जाएगा बट एक्स की वैल्यू अलग अलग मिल जाएंगी। यहाँ पे थ्री पाई बाई फोर है, फाइव पाई बाई फोर है, कब, जब पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू जाओगे आप, ठीक है। यस सर। तो इस बात को जो समझा इसको लिख ले। यस सर। तो वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी वन इन देयर एक्चुअल डोमेन, बट एक्चुअल डोमेन देयरफॉर देयरफॉर फॉर इनवर्स फंक्शन देयरफॉर फॉर इनवर्स फंक्शन टू गेट डिफाइंड the actual domain of trigonometric function the actual domain of trigonometric functions must be restricted to make the function one one. ठीक है। हो गया? यस सर, हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, यूनिट रेडियस सर्किल से रिलेटेड है, यानी साइन एक्स कॉस एक्स से ही जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। बट डोमेन फिक्स है माइनस वन से वन, तो इसको बोलते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। क्या बोलते हैं? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन।
inverse circular functions. Since the domain of sine function is the set of all is the set of all real numbers and range -1, 1. आपको पता है कि साइन कि थीटा की जो वैल्यू होती है माइनस वन वन के बीच ही होती है ना? Yes, sir. ठीक है, और ये एक्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है. ठीक है, जीरो से टू पाई या एन पाई तक जा सकता है. ठीक है, जितने भी चाहे ये उतने सर्किल उतने राउंड यहाँ पे लेता रहिए, है ना? Yes, sir. तो साइन फंक्शन का जो आपका डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है, है ना? बट इसका रेंज फिक्स है कितना, माइनस वन से वन. तो इसे जब साइन का इनवर्स डिफाइन करेंगे हम तो माइनस वन से वन ला करके दोबारा रियल नंबर पे आना होगा. लेकिन अभी पीछे देखा था हमने कि ये मैनी वंस होते हैं तो इसको हमें कट करना पड़ेगा इनके डोमेन को. ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए चलिए देखते हैं, समझते हैं इसी चीज को दोबारा से, है ना? एक्चुअली साइन फंक्शन कैन बी can be restricted to any interval या to any of the interval, कर देते हैं इसको to any of the intervals, to any of the intervals माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू. ध्यान रखना इसकी जब वैल्यू लिखेंगे हम तो ये सारी वन वन के बीच, माइनस वन वन के बीच की ही है. माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसके इसको डिस्कस भी किया था हमने. पाई बाय टू टू थ्री पाई बाय टू, नाइनटी से टू सेवेंटी की बात हो गई. ये बिल्कुल यही चीज है, देखो नाइनटी से टू सेवेंटी. यस सर, समझ गए. ठीक है, इसको जब आप क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो इसको थ्री पाई बाय टू, है ना? Yes, sir. एक्सेट्रा, बहुत सारे ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं, पर ध्यान हमेशा ये रखना है कि आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाले फंक्शन हिस्से को चूज करके आप बना सकते हैं. दोनों नेगेटिव नहीं चलेगा, दोनों पॉजिटिव नहीं चलेगा. ठीक है, थ्री पाई बाय टू, पाई बाय टू, ठीक है, इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं. देन इट बिकम्स वन वन एंड
इट्स रेंज इज ऑलवेज, बिना हमने रेंज को अफेक्ट नहीं किया है क्योंकि सारा 90 का मल्टीपल ही है, तो या तो माइनस वन होगा या प्लस वन होगा, तो इसका रेंज क्या है, माइनस वन वन ऑलरेडी फिक्स है। ठीक है, किसी को भी पीछे देखा था हमने। नाउ वी कैन डिफाइन इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन आल्सो, क्योंकि हमने इसके क्या किए, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब डोमेन में उसी एलिमेंट्स को रखा हमने, उन्हीं एलिमेंट्स को रखा जिनकी वजह से रिपीट इमेज हमें ना मिले। ओके, वी कैन देयरफॉर define the inverse of sine function. We can therefore define the inverse of sine function in each of these intervals, in each of these intervals. Okay? हो गया? Yes, sir. We denote the inverse of sine function by sine inverse and read as R का साइन फंक्शन, दस R का साइन फंक्शन इज ए फंक्शन whose domain is minus one one and the range could be any of the intervals minus 3 pi by 2, minus pi by 2, minus pi by 2, pi by 2, or pi by 2, 3 pi by 2, and so on. Corresponding to each such interval
we get a branch of the function. We get a branch of the function r cosine r sine minus 1. इसको आर का साइन कई बार बोलना ज्यादा बेटर होता है, साइन इनवर्स बोलने के कंपेरिजन में साइन माइनस वन के, ठीक है। उसका अभी रीजन भी आगे देखेंगे इसको। ठीक है, यस सर। द ब्रांच विद द रेंज minus pi by 2 to pi by 2 is called the principal value branch। मतलब जब आपको कुछ नहीं दिया होगा तो आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यस सर। वेयर इज अदर इंटरवल्स इज रेंज डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ, आगे लिखें, हो गए सर। एक मिनट, ये लास्ट लाइन। हो गया सर। डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइन इनवर्स, नोट व्हेन वी रिफर टू द फंक्शन आर कोसाइन फंक्शन साइन इनवर्स वन, we take it as the function whose domain is minus 1 1 and range is minus pi by 2 to pi. We write r cap sign as
ठीक है. नाउ यस सर, वी हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एंड यू हैव टू एक्सप्लेन. Whether arc of sine x and sine x inverse are same or different. Okay. Sir, yeah. Different होगा ना. हाँ, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे विद रीजन. ठीक है, हम चाहते हैं आप इसको अपने हिसाब से जो भी समझ में आ रहा आया हो आपको उस पे आप इस पे लिखना दो चार लाइन. ठीक है, कि कैसे ये डिफरेंट है, तो कैसे डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, ये कौन से ऐसी बात है जिसको... सर, क्योंकि ये जो साइन आर्क ऑफ साइन एक्स वाला जो होगा, ये जो अभी हमने डोमेन फंक्शन किया ये उसमें होगा, मतलब उस वाले तरीके से इनवर्स में होगा. तो आपने लैंग्वेज में लिखिएगा. ठीक है, ओके, मतलब बता के नहीं, लिख करके इसको समझाना है हमें. ठीक है, ओके सर, कल क्लास से पहले इसकी हमें लिख करके हमें भेज देना है इसको. ठीक है.